नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आरके और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। दोस्तों तारीख है 23 अगस्त 2021, समय 9:11 हो रहे हैं और 30 सेकंड। देखिए प्री ओपन सेशन की बात करें तो मार्केट बहुत ही जबरदस्त 141 पॉइंट ऊपर ओपन हो रहा है शानदार तरीके से, 141 यानी यहाँ पर काफी अच्छा गैप अप खुल रहा है। मेरा फोकस जो होगा बैंक निफ्टी भी ठीक ठाक है, 35,424 के आसपास में ओपन हो रहा है और 35,500 का उसका एक साइकोलॉजिकल थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, लेकिन मेरा फोकस सिर्फ रहेगा जस्ट डायल पे। जैसे कि मैंने आप लोगों को कंटिन्यू बताया कि मेरा फोकस अभी जस्ट डायल पे ही रहने का है और ये अपने प्रीवियस हाई के ठीक ऊपर ओपन हो रहा है। कल मैंने 3 स्टार में इसको दिया हुआ भी था आप लोगों को कि भाई इसके ऊपर ही फोकस रखे, ये शानदार जा सकता है अपसाइड में, बिल्कुल अपने ऊपर ये ओपन होने की कोशिश कर रहा है। तो अभी जब लाइव सेशन में मुलाकात होगी, फिर लोग जब जुड़ेंगे तो फिर मैं आपको अपडेट करूंगा। फिलहाल रिकॉर्डिंग पॉज करता हूं, फोकस सिर्फ मेरा जस्ट डायल पे ही रहेगा। आवाज जा रही है आप लोगों को? मैं जस्ट डायल को खरीद रहा हूं भाई, 957 के भी फिलहाल स्टॉप लॉस के साथ खरीद रहा हूं जस्ट डायल। मेरी आवाज और स्क्रीन जा रही है? मैंने जस्ट डायल को खरीदा है, मेरा फोकस सिर्फ जस्ट डायल पे ही रहेगा। 23 अगस्त समय 9:16:30 मैंने ओपन होते के साथ लिया है, हालांकि वो अपना गैप को फिल कर रहा है और मैंने भी थोड़ा सा मेरा जो प्राइस है 962 रुपए के आसपास का है। नमस्कार रमेश जी। मार्केट तो बहुत अच्छा है, 115 पॉइंट ऊपर है, यानी गैप को थोड़ा सा फील करने का कोशिश कर रहा है वो। और यहाँ पे ये टाइम है जब मैं यहाँ पे 50 क्वांटिटी को ऐड करूंगा और नीचे आने, टोटल 160 क्वांटिटी हुआ है और मेरा प्राइस है 961.22 के आसपास। नमस्कार नमस्कार सारे लोगों को नमस्कार। मेरा बस जस्ट डायल पे ही फोकस रहेगा, दूसरा कुछ किसी पे नहीं, सिर्फ जस्ट डायल। फ्राइडे को इसने एक पहला पॉजिटिव कैंडल वहां पे बनाया काफी दिनों के बाद, मेरा एक यही ट्रेड रहेगा सिर्फ जस्ट डायल और कुछ भी नहीं। मॉर्निंग सर, मॉर्निंग मॉर्निंग श्रीधर जी नमस्कार। मार्केट तो थोड़ा सस्टेन कर गया ऊपर से नीचे, जो गैप बना था वो गैप खत्म हो गया। मेरा फोकस सिर्फ जस्ट डायल पे ही रहेगा। नमस्कार सर, नमस्कार सब लोगों को। मार्केट 100 पॉइंट आया, 140 पॉइंट से 40 पॉइंट नीचे आया, लेकिन मेरा फोकस सिर्फ जस्ट डायल पे ही रहेगा। वेट करना पड़ेगा, टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं।
मॉर्निंग मॉर्निंग सारे लोगों को। ग्लेन मार्क फार्मा भी अच्छा लग रहा है। ये ब्रेक कर गया, मैंने लेवल दिए थे अभी जस्ट 545 के ऊपर बाय करने के लिए। पहला टारगेट 550 का, दूसरा टारगेट 554 का। चोला फाइनेंस, मेरा फोकस तो बस जज डायल पे रहेगा। चोला फाइनेंस तो चोला फाइनेंस भी निकलने की तैयारी 495 के ऊपर। ये 550 का पहला टारगेट ग्लेन मार्क में होगा और ये चल रहा है ठीक ठाक, और मेरा कन्विक्शन है पूरा का पूरा जस्ट डायल। तो 60 क्वांटिटी माइंटी को सेल करना है। ओके, आज इंफोसिस में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बन सकता है। इंफोसिस, लेकिन ये सेलिंग की जगह ये पॉजिटिव दिखा रहा है मूवमेंट। 1745 के ऊपर एक अच्छा मूवमेंट दिखाएगा इंफोसिस। माइंटी को सेल करना चाहते हैं। ओके, सर सेल करना चाहते जरूर करें। 3370 के नीचे, 3380 के नीचे जरूर सेल करें, और ज्यादा हो तो 3390 के नीचे भी सेल कर सकते हैं। मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ जस्ट डायल। पास आप लोगों के पास क्या क्या लिया है आप लोगों ने? मैं तो सिर्फ जस्ट डायल में बैठा हुआ हूं। और जस्ट डायल के निकलने का वेट कर रहा हूं। डाबर को देखना। ओके शिशुपाल जी, डाबर 616 के ऊपर ज्यादा अच्छा लग रहा है। नहीं, डाबर तो मेरा कॉल है और ऑलरेडी 3 स्टार में दिया हुआ। 616 के ऊपर मूवमेंट करेगा। एशियन पेंट है प्रशांत जी के पास। वाह, सही है।
कहाँ गया जस्ट डायल हम लोगों का, बस मेरा फोकस इसी पे, ये जब चले नाइन सिक्सटी एक छोटा सा लेवल है इसका, और 962 के ऊपर फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये 495 ब्रेक नहीं हो पा रहा इसे, ये 495 के ऊपर चोला फाइनेंस एक अच्छा मूवमेंट करेगा। मन्नापुरम को बाय कर सकते हैं सर, मन्नापुरम के लिए सोचना क्या है, उसमें इंट्राडे करना तो मैं नहीं जरूरी समझता, मैं तो उसको हमेशा पोजिशनल होल्डिंग समझता हूं। और बिल्कुल ठीक है आपका लेवल, थोड़ा सा ये कमजोर हो सकता है इंफोसिस, माइंड ट्री नीचे नहीं आया, 3490-80 के नीचे ये आया नहीं। अब प्रमोद जी करना चाहे तो कर सकते हैं प्रमोद जी, लेकिन थोड़ा रिस्क है ऊपर में। मॉर्निंग राकेश, लेकिन स्टॉप लॉस बड़ा लगेगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर लूपिन आपको बाय साइड है बिल्कुल 940-41 के ऊपर, 37 पॉइंट बुक कर लिया बजाज फिनसर्व में, वाह बहुत बढ़िया, तो नजर रखिएगा स्टॉप लॉस भी थोड़ा बड़ा बन रहा है इसमें। करेंसी अच्छा मूड में लग रहा है, एक छोटा स्टॉप लॉस लगा के अगर ये 33 को ब्रेक करे तो बाइंग किया जा सकता है। ऐसे एसएल बचा हुआ है, 5 पैसा से मेरा एसएल बचा हुआ है। अगर समय देख लीजिए, समय हो रहा है 9:37, अगर ये मेरा एसएल काट देता है तो मैं ट्रेड बंद कर दूंगा, क्योंकि यही एक ट्रेड ही करना है मुझे। 5 पैसा 10 पैसा से मेरा एसएल बचा है, इसने लो लगाया है 57 रुपया 5 पैसे का, इसने लो लगाया 57 रुपया 10 पैसे का, कट गया तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा। देखिए कट भी गया, ठीक है, और मैं यहाँ पे मेंटेन कर लेता हूँ अपना, यही एक ट्रेड है और इसको मैं मेंटेन कर लेता हूँ। आज एक ट्रेड लिया जस्ट डायल,
जस्ट डायल। बाय किया, अब यहां से ये यह घूम जाएगा तो अलग बात है, लेकिन मेरा ट्रेड इस पर कंप्लीट हो गया। और बाय किया 961 रुपया 22 पैसा, 957 पे एग्जिट कर गया, 160 क्वांटिटी, तो टोटल 675। देखिए ये 675 का लॉस हुआ होगा, बिल्कुल 675 का लॉस मैंने बुक कर लिया। तो यहाँ पर जो हमारा ये ट्रेड है, ट्रेड लॉग बुक है, इसमें टोटल हो गए 15 लॉस में, 17 प्रॉफिट में, टोटल 23,713 से स्टार्ट किया था, 33,000 तक हम लोग आए हैं, यानी 10,000 रुपया प्रॉफिट, 40% का प्रॉफिट है ना, 40% का प्रॉफिट हम लोगों ने बना लिया है। कितने तारीख से स्टार्ट किया, 30 तारीख से, तो इसको 30 तारीख तक लेके चलेंगे ना, तो एक महीना हो जाएगा, एक महीना में देखेंगे क्या प्रॉफिट क्या लॉस होता है ना।